छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किसानों के खाद बिजली जैसे मुद्दे पर राज्य सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि बीते 2.5 साल से छत्तीसगढ़ में किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है, जबकि कांग्रेस अपनी सरकार को किसानों की सरकार बताती रही है। अग्रवाल ने कहा कि राज्य में गोबर और खाद माफिया तैयार हो गया है। 2 रुपए किलो गोबर खरीद कर उसमें मिट्टी मिलाकर किसान को वर्मी खाद के नाम पर 10 रुपए किलो में खरीदने मजबूर किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध कराई है, तब अतिरिक्त खाद क्यों मांगी जा रही है? क्या खाद की कालाबाजारी करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि पिछले साल की बची हुई खाद और इस पूरे मामले में श्वेत पत्र जारी किया जाए। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि भाजपा 26 जुलाई को पूरे राज्य में आंदोलन करेगी, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने भी किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। और हम सभी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और किसान को सरकार को मजबूर करेंगे कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाया जाए, किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाए, किसानों के खेतों को पानी उपलब्ध करवाया जाए, किसानों के जो बचे हुए पैसे हैं वो उनको दिए जाए। हम लंबे समय से हम कह रहे हैं कि जरा राज्य सरकार को इस बात की जानकारी श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि केंद्र की सरकार को उन्होंने क्या प्रोग्राम भेजा था कि कब कब कितनी कितनी खाद चाहिए और केंद्र सरकार ने कितनी कितनी खाद की आपूर्ति की, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम राज्य सरकार से ये भी जानकारी चाहते हैं कि पिछले वर्ष की उनके पास में कितनी खाद बची हुई थी और उसके आधार पर ही केंद्र सरकार आपूर्ति करती है। हमारी आपको सबको मालूम है कि अभी कृषि का सीजन चल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 90% से ज़्यादा आबादी किसानी के ऊपर में निर्भर है और वर्तमान सरकार के राज में किसान हाहाकार कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पिछले 20 सालों में पहली बार इतनी भयावह स्थिति पैदा हुई है कि किसान खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसको खाद के लिए सहकारी सोसाइटियों से सरकार के स्तर पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, निजी संस्थानों से महंगे दर पर उनको खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जो किसानों को बीज मिल रहे हैं वो बीज भी नकली बीज, अमानक बीज उपलब्ध हो रहे हैं, जिसके कारण किसानों का जर्मिनेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है।